Friends, we are interviewing the victims of a company named Elysium, which has scammed a lot of people. It is a sort of a timeshare and lifestyle kind of company. It offers free coupons. It offers discounts on all sorts of things in various outlets, free gym memberships, etc., etc. But basically, it just takes your money and scams you. There are already two FIRs against them. I'm going to discuss with a friend who, like many others, doesn't want to be seen because he feels the indignity of having been cheated, and he doesn't want it to be known to his whole family that he has been cheated. So I'm with a software engineer and we are going to talk in Hindi. मोबाइल से कॉल आया था, मोबाइल पे कॉल आया. एक लेडी ने मुझे कॉल किया और लेडी ने बताया कि आप हर मंथली मतलब डीमार्ट में शॉपिंग करते क्या? आप डीमार्ट में शॉपिंग करते हैं? तो मैं बोला कि हाँ, मैं शॉपिंग करता हूँ. तो भी बोला कि आपको डीमार्ट में शॉपिंग करते हूँ, इसलिए आपको डीमार्ट की तरफ से एक कूपन मिलने वाला है. मतलब एक लकी ड्रॉ है, उसमें आपका नाम आ चुका है. ये डीमार्ट की तरफ से बोले? हाँ. तो एक कूपन का एक मतलब कॉन्टेस्ट था, मतलब ऐसा. तो लकी ड्रॉ तो आपका नाम उसमें आ चुका है, तो आपको तो कूपन है 5-6 हजार के. तो कूपन में आप शॉपिंग कर सकते हो, आप किसी बड़े होटल में डिनर कर सकते हो, 3-स्टार होटल के अंदर. तो आपको कूपन देने के लिए आपके वाइफ के साथ आना है, मतलब हमारे एक एड्रेस. अच्छा, आपके वाइफ के साथ आना, ऐसा बोला है. तो फिर बाद में मुझे उन्होंने एक मैसेज किया, मतलब वो मतलब जो उनका एड्रेस जो कंपनी का, मुझे मैसेज किया. और फिर नेक्स्ट वीक संडे को मैं ऑफिस में चला गया उनके. उनका ऑफिस मतलब मेट्रो मॉल में था, भांडुप के. तो वहाँ पे शाम को मैं गया मतलब वाइफ के साथ में, और 7 बजे मैं गया मेट्रो मॉल के अंदर. ऑफिस में गया, फिर बाद में उन्होंने मुझे सब बताया कि हमारा मतलब इलिजियम बिजनेस ट्रैवल्स मैनेजमेंट ऐसा कंपनी है, हम लोगों को ट्रैवल्स के और हॉलीडे मेंबरशिप का हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप 3-स्टार होटल के अंदर स्टे कर सकते हो, 5-स्टार होटल में स्टे कर सकते हो, ऐसा है. साथ में आपको मतलब ईयरली आपको आपके वाइफ को ब्यूटी पार्लर सर्विस दी जाएगी. आपको आपके एनिवर्सरी के दिन आपको बड़े होटल में डिनर मिलेगा. तो आपको मतलब साल में से 2 बार डिनर मिलेगा, ऐसे 3 साल के लिए. अच्छा. फिर मुझे बताया कि हमारे बहुत सारे होटल के साथ टाइप है, बहुत सारे बड़े होटल हमारे लिस्ट के अंदर है, 6-स्टार होटल है, 5-स्टार होटल है, मतलब ताजमहल होटल, ऐसा बताया मुझे. आप अगर किसी क्लब महिंद्रा में आप मेंबरशिप लोगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी बेसिकली आपका जो लाइफस्टाइल एकदम इम्प्रूव हो जाएगा. तो आप अगर अभी हमारे पास कुछ प्लान है, एक प्लान 3 लाख का है, एक प्लान 2 लाख का, एक प्लान 80 लाख का, 80,000 का है. तो 80,000 का प्लान आप ले लो, तो आपको हम 3 साल के लिए एक मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको मतलब ईयरली 7 डेज 7 नाइट के लिए आपको किसी होटल में मतलब स्टे करने को मिलेगा आपको. वो सारे होटल आपको अच्छा होटल होगा, एकदम 3-स्टार 5-स्टार होटल होगा. और बाद में उसके अलावा आपको हर ईयरली 2 बार किसी बड़े होटल में आपको डिनर मिलेगा आपके वाइफ के साथ में, एनिवर्सरी के साथ में. बाद में आपके वाइफ को ब्यूटी पार्लर सर्विस मिलेगी, ऐसा बताया मुझे. अच्छा. और इसके लिए आपको खाली 80,000 पे करने. मुझे लगा कि कम पैसे में चलो ले लो, ऐसे हम तो कहीं लेते नहीं कोई मेंबरशिप. तो लाइफस्टाइल लेकर आपका लाइफस्टाइल सुधर जाएगा. आप लगा था मुझे, बाद में वो चीज मिल जाएगी मुझे 80,000, मुझे लगा ऐसे बहुत पैसे बचेंगे वगैरह वगैरह. क्योंकि टाइम पे उन्होंने भी मैं बोला कि मुझे 80,000 मैं अभी पे नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको अभी 1,000 पे करता हूँ कैश. तो मैंने उनको 1,000 कैश पे कर दिए. और बाद में उन्होंने बोला कि आपका जो अभी बचा हुआ अमाउंट है 71,000, इसमें से 8,000 आपको मतलब मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा जब आप जाओगे होटल के अंदर, ऐसा बोला. जब आप होटल में जाओगे, मतलब होटल में जाओगे तो आपको 8,000 मेंटेनेंस देने पड़ेंगे. और बच्चे 71,000, तो आपको 71,000 का आपको अभी कार्ड सर्व करने का है. बोला ठीक है, बोला कि मैंने कार्ड स्वाइप किया, मुझे इतने बताया गया. आपने 71,000 का कार्ड स्वाइप कर दिया. हाँ. मुझे ये बोला कि अभी आपका ई एम आई जाएगा मंथली, इसके बाद में आपका ई एम आई में जो इंटरेस्ट रहने वाला है आपको, हाँ आपको सब इंटरेस्ट रिफंड करने वाले हैं आफ्टर 3 मंथ, ऐसे बोला मुझे. इंटरेस्ट भी रिफंड करेंगे, यानी क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट वो आपको रिफंड करेंगे, ऐसे बोला मुझे. तो फिर मैंने सर्विस ले ली, मैं कार्ड स्वाइप किया, बाद में एग्रीमेंट भी करवाया मुझसे. फिर मैं एग्रीमेंट लेकर चला गया घर में, अग्रीमेंट ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर. तो सर्विस मैंने दिसंबर में ली थी, दिसंबर 2018 में. फिर उसके एक महीने के बाद में मैंने उनको कॉल किया कि अभी कुछ तो मुझे काम था, मतलब इसलिए मैं होटल में नहीं जा सका. तो फिर मैंने कॉल किया कि मुझे डिनर जाना है, मतलब बड़े होटल के अंदर, मेरी वाइफ की मतलब एनिवर्सरी थी. तो मैंने कॉल किया उनको डिनर के लिए. तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी हमारे मतलब मेंबरशिप थोड़े बंद है, मतलब हमारा टाइप नहीं उनके हाथ में, तो आप हमें फिर से कॉल करो आफ्टर 8 डेज. मैंने उनको आफ्टर 8 डे कॉल किया, उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी सारे होटल बुक्स है, अभी आपको मिलेगा नहीं, तो आप वेट करो. तो ऐसे करते झगड़ झगड़ के मैंने एक महीने के बाद में उनसे सर्विस मिल ली, मतलब यानी किसी को कोई एक्सक्यूज देते हैं, किसी को कोई और एक्सक्यूज देते हैं. हमारा मतलब डायरेक्ट दिया नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उनको कॉल किया मुझे चाहिए, मतलब उनको दिया ऐसा कुछ नहीं. उन्हें मतलब घुमाया मुझे हमेशा, क्या आपको कल देंगे, परसों देंगे. कुछ तो दिया या कुछ भी नहीं? डिनर दिया मुझे एक बार, मतलब एक बार डिनर दिया. कहाँ पे?
वो ललित होटल में गया था। किधर? ललित होटल, ललित होटल बांडू बाद में फिर पार्लर सर्विस का आया था मेरी वाइफ का। तो उन्हें बोला कि आप रहते का, मैं बोला आप मैं रहता हूँ खागर तरफ। मुझे बताया कि वहाँ पे हमारा टाइम नहीं है, तो एक काम करो आप पार्लर सर्विस अपने पैसे ले लो और जो बिल है खागर तरफ। हाँ, तो उन्हें बोला कि पार्लर सर्विस आप ले लो खुद के पैसों से, जो बिल होगा बिल मुझे दे दो, हम आपको रिइंबर्स करेंगे पैसे। ऐसा बोला, बिल रिइंबर्स करेंगे, ऐसा बोला मुझे, जिम का बिल रिइंबर्स करेंगे, ये प्रॉमिस दिया। ओके ठीक है, मैं गया वाइफ को लेके, फिर पार्लर सर्विस ले लिया उससे, कुछ तो 2000 बिल आया था मेरा। वो बिल मैंने उनको स्कैन करके भेज दिया ईमेल पे। ओके बाद में रिप्लाई उनका कि हम आपका बिल पैसे करेंगे, वो पैसे उन्हें कहीं 45 लगते है, सिंपल बिल है 2000 रुपए का, उसको लगते है 45 डेज लगेंगे फॉर प्रोसेसिंग द बिल, ऐसा बोला। फिर मैं उनसे फॉरस लेते रहा, उनको कॉल किया 8 दिन के बाद में, 10 दिन का कॉल किया, लेकिन रिप्लाई नहीं उनका। एक महीने के बाद में उनको मैं कॉल किया, झगड़ा किया आपने, मैं बहुत गलत दिया, आपने पैसे लिए मुझसे इतने, आपने इतने झूठे प्रॉमिस दिए मुझे, इतने फर्स्ट कमिटमेंट दिए, लेकिन आप एक भी सर्विस मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। फिर उस बड़े मुश्किल से मुझे 2000 रुपये मतलब रिइंबर्स किए, फिर रिइंबर्स किए। चिल्लाया तब, चिल्लाया मैं बहुत उसको। बाद में फिर होटल के लिए मैंने उनको मेल किया कि मुझे लिस्ट आई होटल की, फिर उन्होंने लिस्ट दी नहीं होटल की। फिर बाद में मुझे लगा थोड़ा डाउट आया कि फ्रॉड कंपनी हो सकती है, फिर मैंने नेट पर सर्च किया, सर्च जैसे नेट पर किया तो मुझे माउटशूट नाम का एक वेबसाइट मिला, वहाँ मुझे मिला कि एलिजियम कंपनी फ्रॉड है कम्प्लीटली। वहाँ मुझे बहुत सारे बैड रिव्यू मिले कंपनी के, ओके, कि इन्होंने बहुत लोगों ने चीटिंग किया, ऐसा कुछ किया है। तो फिर मैंने मेरा नाम आप रजिस्टर किया, फिर कुछ दिन बाद मुझे एक कॉल आया किसी बंदे से, तो ऐसे करते मुझे बहुत सारे बंदे मिल गए, फिर मुझे पता लगा कि कंपनी फ्रॉड है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे गुस्सा है बहुत ही, और क्या करोगी कुछ कितने पैसे के अपने क्या करना। फिर मैं उनको दोबारा कॉल करते रहा दो लोगों को, उन्हें फिर मेरा नंबर, उन्होंने मुझे दूसरे किसी दो नंबर का, दो लोगों का नंबर दिया, मतलब सेम एम्प्लॉय मतलब कंपनी के। अच्छा, उन्हें मुझे नंबर दिया बाकी एम्प्लॉय का, नंबर में ले लिया मैंने। अब मैं उनको दोबारा कॉल करता हूँ, हमेशा कॉल करता बोलता हूँ, तो उन्हें मैं नंबर ब्लॉक कर दे, फिर मैं दोबारा उनको। अच्छा, आपका नंबर ब्लॉक कर, ब्लॉक किया नंबर। ओके, जब भी कॉल करता हूँ तो मुझे आता है कि ये नंबर बंद है, आप किसी दूसरे नंबर कॉल करो। ऐसे करते करते फिर मुझे तो आपके पास अभी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है? कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी सब नंबर ब्लॉक हो चुके हैं, अभी वो नंबर बंद ही अनरीचेबल है। ओके, सब नंबर बंद दिखाते हैं। फिर मैंने मेरे दोस्त से पूछा, ईमेल वगैरह बाउंस होता है? ईमेल बाउंस होता है, मतलब एक बार ईमेल किया बाउंस किया। अच्छा, किसी और के नंबर से करते हो तो वाइफ का नंबर, फ्रेंड का नंबर, ऐसे उस पे कहते हो कि नंबर बाउंस दिखाते, ब्लॉक ही, यानी नंबर ही ब्लॉक हो गया, नंबर बंद दिखाते बाइक के। फिर बाद में फिर एक दोस्त ने बताया कि एक काम करो, भांडू के लिए आपने मेंबरशिप, तो भांडू की पुलिस में आप, पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन दे दो। फिर पुलिस में गया मैं, कंप्लेन दिया, वहाँ पे कंप्लेन दिया था, पुलिस ने मुझे बताया कि गलती आपकी, आपने क्यों मेंबरशिप दिया, आपको समझा नहीं क्या। अच्छा, तो इसमें चीटिंग की, चीटिंग का कंप्लेंट देने जाते हो? हाँ, तो कहते हैं गलती आपकी, नहीं गलती आपकी है, कहने पैसे आपके, कैसे करो क्या पैसे, ऐसा मुझे बताया। यानी पुलिस जो कर रही है ये एक विक्टिम ब्लेमिंग है कि चीटिंग करने का सबको छूट है, दुनिया भर के लोगों को जितना चीट करना है चीट करो, जो बोलना है जो बोलो, उनसे साइन करके पैसे ले लो, सर्विस डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तो उनको ब्लेम कर सकते हैं कि अब ये गलती आपकी है, अब जाओ कंज्यूमर कोर्ट में। फिर भांडू पे मैं, भांडू पे थी, बड़ी मुश्किल से मुझे एक पुलिस मिला वहाँ पे, उसने मेरा मतलब कंप्लेन ले लिया, तो मुझे बोला कि FIR के लिए आपको भी आना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ, मतलब ऐसा बोला। फिर आफ्टर 8 डे मैं कॉल किया। अच्छा, बाद में उन्होंने FIR ले, वो लोग FIR लेने को राजी हुए क्या? FIR लिया ही नहीं उन्होंने, मतलब कंप्लेन लिया खाली, कंप्लेन लिया मुझसे खाली लिख के, और फिर पुलिस ने बताया कि अभी हमारे जो मेन ऑफिसर है, मतलब PS है, अभी वो छुट्टी पे है, जब आएंगे तब आपको बोलेगा। हम मैं उनसे डेली फॉलो लेते रहा कि कब आएगा ऑफिसर सर, ऑफिसर, तो फॉलोअप ले चले, 2 महीने चले गए। बाद में फिर मैं एक दिन कॉल किया PSI को, तो उसने बताया कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे उस तरफ चले गया वो। फिर मुझे बोला कि मैं आपको नंबर देता हूँ, ऐसा बोला, लेकिन नंबर दिया ही नहीं मुझे। अच्छा, तब से मेरा कंप्लेन रह चुका है, मतलब पुलिस कुछ कर नहीं रहे, मतलब भांडुप में गया, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रहे। बोलता है पुलिस करती क्यों बैठती है, पुलिस कैसे, मतलब क्यों जॉब करते हो पुलिस लोग आप? मैं बोलता हूँ उनसे, आपसे बोलते हो बोलने के लिए कि हम समाज सेवा करते हैं, हम सोशल के लिए, हम समाज के लिए दोस्त है उनके, हम राइट, फिर फायदा नहीं उनका, फिर बैठते क्यों ऐसे काम के लिए, फिर क्या फायदा इसका? सही बात, गवर्नमेंट सोई है आजकल, गवर्नमेंट सोई हुई है, पुलिस सोई हुए है, क्रिमिनल्स को जो करना है करे, सबको छूट है, क्रिमिनल्स को तो खास करके छूट है भाई, सब लोग जाओ चीट करो, जितना चीट करना है चीट करो। और ये गवर्नमेंट कहती है ये वो अच्छे दिन, हम जीरो टॉलरेंस, करप्शन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा जितना 2014 के बाद तो बढ़ते ही गया है, कम होते हुए तो नजर ही नहीं आ रहा है, लोगों को चीट करते हुए सब तरीके से चीट कर रहे हैं, बिल्डर चीट कर रहे हैं, ये टाइप के स्कैम आर्टिस्ट चीट कर रहे हैं, और
कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आपसे, अगर किसी को ऐसा कॉल आया तो बिल्कुल जाना नहीं। मुझे अभी फिर से कॉल आया था कंपनी से, ऐसा ही सेम था एकदम, मैरिड लाइफ मैरिड कपल को आने का है कंपनी में, आपका गिफ्ट लेने का है, जाने का, ऐसा आया था कॉल। कोई आपको फ्री में गिफ्ट नहीं बांटेगा। ऑलरेडी मुझे फिर बाद में अवेयर हो चुका है कि ऐसा फ्रॉड है, मैंने फोन कट कर दिया। तो आप भी मत जाओ, ऐसा कुछ करो मत एकदम, तो आपके साथ फ्रॉड होने वाला है बिल्कुल। पब्लिक को जानना चाहिए कि अगर कोई मॉल में या कहीं भी कोई आपका नंबर ले रहा है, लकी ड्रॉ वगैरह कह रहा है, तो आपको फ्रॉड के लिए टारगेटिंग किया जा रहा है। अगर आप नंबर दे रहे हो तो एक पड़ाव पार कर चुके हो आप फास्टेस्ट फिंगर कौन बनेगा करोड़पति का, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हो फॉर देयर कौन बनेगा, मैं वो वर्ड नहीं यूज नहीं करूंगा। और दोस्तों ये कंपनी जो है उसका नाम है एलिसियम बिजनेस ट्रैवल मैनेजमेंट, एलिसियम ये कंपनी का डायरेक्टर है, उसका नाम तौसीफ राजा है, नाम एक डायरेक्टर का है तौसीफ राजा और हर्षद खान, कंपनी का ओनर एक ही डायरेक्टर है, लेकिन उसके नाम की बहुत सारी कंपनी बन चुके है मुंबई के अंदर, ये मुंबई पुणे में ऑपरेट करते हैं, तो आप अवेयर रहो। खासकर ये जो बड़े लोग हैं सीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनको कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनके पैसे हड़प कर लेते हैं, उनको कुछ देते नहीं है, तो आप अवेयर रहो प्लीज। राइट, सो फ्रेंड्स दिस इज अ पब्लिक वार्निंग, ऐसे टाइप से कोई लकी ड्रॉ वगैरह वगैरह बोलता है तो पहली बात है कि अपना फोन नंबर मत दो, सेकेंडली आपको कॉल आए और कहे कि आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है मत जाओ, ओके यू आर बीइंग ड्रॉन इनटू अ ट्रैप। थर्ड, अगर ऐसे कहीं पे जाते भी हो, जाने की गलती आपने कर दी ऐसे मीटिंग में, प्लीज आप उठ खड़े हो जाओ। ये टाइप के ऑफर्स कोई आपको कोई फ्री ऑफर्स वगैरह देता नहीं है, और ये सो कॉल्ड टाई अप्स जो कहते हैं ना कि हमारा क्लब महिंद्रा के साथ में टाई अप है, डीमार्ट के साथ में टाई अप है, बहुत सारे कंपनीज के साथ में टाई अप है, ऑल ऑफ इट इज टॉल टॉक, नॉनसेंस है ये, आपको फांसने का एक तरीका है। प्लीज डू नॉट get trapped and lose your precious money. और पैसे तो जाते हैं, साथ में आपका पीस ऑफ माइंड जाता है इसमें। और दोस्तों एक बार ऐसी है और ये लोग आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करेंगे, उनके पास बहुत अच्छे कन्विंस पावर होती है, लेकिन आप वो कुछ भी बोले आपको, आप सुनो मत उनकी बातें, वो आप कुछ भी बोले सुनो मत, वो फंसाने वाला आपको जबरदस्त कन्विंस करते हैं, वो आपको बैठाते हैं, उनके पास स्ट्रांग कन्विंसिंग पावर है बहुत, मतलब आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको मतलब आने पे मजबूर कर देंगे आप, और आप उनको पैसे दोगे, लेकिन आप अवेयर रहिए, ऐसे बहुत फ्रॉड हो चुके हो रहे हैं अपने मुंबई में, बहुत कंपनी जैसे कि लिजो कंपनी एक है, लिजिको इलिजियम टूर मैनेजमेंट, बाद में थॉमस ईडी, ऐसी कुछ कंपनी है जो कंपनी ट्रैवल्स और टूरिस्ट के नाम से लोगों को लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो आप प्लीज उनके ट्रैप मत आइए, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको अगर कुछ एंजॉय करना है तो पैसे यहाँ से बचे दो, दूसरे हाथ से एंजॉय करो। करेक्ट, सिंपल बात है, ट्रांजैक्शन सिंपल रखो, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, उसी दिन ले लो, कोई पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ो प्लीज। थैंक यू।